बड़े प्यारे लाला हैं, इतनो प्यारो लाला है जो कोई एक बेर याकू देख ले ना वो दुनिया में और कछु देखनो चाहे ही ना। हमारे घर में कारो हो चाहे गोरो, अगर हमारो ही लाला हो थोड़ा सा तन से सुंदर हो ना तो पड़ोसी भी कहते नहीं भला सुंदर है, बच्चा सुंदर है, और थोड़ा काला हो तो पापा पे ही गया, काला हो तो पापा पे गया है, और गोरा हो तो देखो तो सही कितना दादी पे गया सारा। सबसे पहले दादी बोलेगी, पूरे दादी पे गया, नाक देखो, आंख देखो, हाथ देखो कैसे। लोग अपनी आप पूरा, लेकिन कृष्ण जैसो बालक काऊ की गोद में होए तो भलो और कछु बाकी रह जाएगा। जो कोई एक बेर कन्हैया को देखे बस देख तो ही रह जाए, और कछु याद ही नहीं करना चाहे, बस छोड़ना ही नहीं चाहे, दर्शन ऐसो मन लगे कि बस हटे नहीं है, नेत्र नेको नहीं है, बस एक टक देखते रहे, मन करे देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। जब कन्हैया 6 दिन के भय तो पूतना आई रूप बदल के, जिसकी चर्चा में अभी शुरुआत में प्रारंभ में कर रहा था वही चर्चा। भगवान को कपटी लोग पसंद नहीं है, पूतना कपटी है, जैसी है वैसी गई नहीं, और जैसी गई है वैसी है नहीं। आप जितने भी लोग बैठे ना ढंग से समझना, कहीं हम तो पूतना नहीं है, पूतना मीन्स कुरूप होना नहीं है, पूतना मीन्स है स्वभाव से क्रूर होना, कपटी होना, वो पूतना। आप लाख कोशिश कर लो तुम्हारे कपट में ये दुनिया भ्रमित हो सकती है, पर मैं प्रॉमिस करता हूं मेरा कन्हैया नहीं होगा। मेरा कृष्ण कभी नहीं हो सकता, उसको मनाने के लिए ऐसा निर्मल, अरे कितनी कथाएं सुनते हो तुम, सुधरे नहीं तो तुम्हारी बुद्धि में गोबर भरा हुआ है क्या? गाय का होता तो भी शुद्ध हो जाता, ये भैंस चोरी वही का वही को भरे हो, गाय का होता तो शुद्ध होता ना। गाय का गोबर मीन्स लक्ष्मी, गाय के मूत्र मीन्स गंगा, तो गाय तो शुद्ध है। गाय का तो 33 करोड़ देवते तो वास करते हो सो, लेकिन ये गोबर अगर माथे में नहीं होता, इतनी कथा सुनने का फायदा क्या, मुझे बता दो ये फायदा है? जब तुम सुधर नहीं सकते तो कोई बेनिफिट नहीं। कथा का मतलब होता है अपने कर्मों का चिंतन, जिसको मैंने एक दिन और कहा था आपको याद होगा, जो मेरे कर्म है मैं उसका चिंतन करूं कि मैंने क्या गलत किया है, और अगर गलत किया है तो उसे स्वीकार करूं और भगवान से कहूं कि ठीक है हो गया अब स्वीकार करिए। तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है किसे सुना मैं। पूतना गई रूप बदल के, जो भगवान को कतई प्रिय नहीं, बिल्कुल भी पसंद नहीं। दुनिया भ्रमित हो गई, ब्रजवासी भ्रमित हो गए, दुनिया ब्रजवासियों को लगा, अरे भैया ऐसा लगा जैसे स्वर्ग से कोई लक्ष्मी आई गई हो स्वयं उतर के। लक्ष्मी के तो एक हाथ में कमल है, वाके तो दोनों ही हाथन में, यूं घुमामती भाई मुस्कुरामती भाई और चली जा रही, यूं मुस्कुरामती भाई चली जा रही। देखिए यहां पर बहन बेटियां बहुत बैठी हैं, आप लोग ध्यान दीजिए जरा मेरी तरफ, जितने भी बहन बेटियां यहां बैठी हैं, रोड पर चलते हुए मुस्कुराते हुए बातें करते हुए जाना ये भी अच्छी परंपरा नहीं है। कितनी बार मैंने कहा और आपने कई बार सुना है, आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए जब भी आप रोड पे बाजार में, पहली बात तो अकेले नहीं जाएं, और जाएं भी तो कम से कम ज्यादा मुस्कुराना,
ज़्यादा ऐसी ड्रेसअप, यू नो, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो सब, और अधिक ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी वेशभूषा से, मेरे चलने से, मेरे बोलने से, मेरे किसी भी एक्शन से जिससे मैं प्रयास करूं और किसी के मन में गंदगी आ जाए, गंदे विचार आ जाए, तो उसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूं कहीं ना कहीं। इसलिए थोड़ा सा हमें भी सिंसियर होना चाहिए। तो मेरे भाई बहन, पूतना ऐसे ही चले जा रही थी, दोनों हाथों में कमल घुमाती हुई, पुष्प घुमाती हुई, और सब ब्रजवासी देख रहे हैं, भैया ये तो कोई बहुत बड़े घर की लगे, स्वर्ग ते आई लगे। यशोदा मैया की भी पूछ भी कि ठीक है लाला देख भी आई तो देख, लेकिन कृष्ण ने पूतना को देखते ही नेत्र बंद कर लिए। वजह वही जो मैंने अभी आपको बताया, देखते ही, पूतना को देखा ही नहीं, देखा ही नहीं। अच्छा, आप लोग भी वृंदावन जाते हो, बिहार जी जाते हो, तुम ईमानदारी से कह सकते हो कि मेरे बिहार जी ने तुम्हें देखा? तुमने बिहार जी को देखा ये अलग बात है, यूं तो पूतना ने भी देखा बिहार जी को, पर तुम्हें बिहार जी ने देखा इस बात से तुम गारंटेड हो, श्योर हो? तुम कह सकते हो गारंटी के साथ कि मेरे बांके बिहारी ने मुझे देखा? तुम कब गए? जब दरवाजा बंद होने वाला था, भागते भागते गए। इतना टाइम नहीं है तेरे पास, पहले जाता, आराम से बैठता, ठाकुर से बतियाता, बातें करता और मेरे गोविंद से जरा चर्चा करता रहता, और कुछ थोड़ा, कुछ हम कहे, कुछ तुम कहो, कुछ हम सुने, कुछ तुम सुनो। नहीं, सुबह निकलेगा यहां से 8, 8:30, 9 बजे, वहां पहुंचेगा 12 बजे, 12:15 बजे दर्शन बंद होने वाले, भाग, गाड़ी छोड़, ये कोई दर्शन है? ये दर्शन है बताइए? ऐसे तो फिर तुम ही बिहार जी को देख के आते हो, बिहार जी तुम्हें नहीं देखता। वो जयपुर की राजकुमारी आई थी बिहार जी का दर्शन करने, देखती रही देखती रही देखती रही, दरवाजे बंद होते हैं, पर्दे लगते रहते हैं, वो देखती रहती है, पर्दे के भीतर भी इतनी साहस उसका साहस, इतनी भक्ति बढ़ गई, पर्दे के भीतर भी देख पा रही है वो, एक टक नजरें, एक टक। पहले तो जब राजकुमारी की बात है, उस समय तो ये पर्दा होते ही नहीं थे, पर्दे उसके बाद में शुरू हुए, राजकुमारी के बाद, उससे पहले पर्दा नहीं था। तो देखे जा रही बिहार जी को, बिहार जी उसे देखे जा रहे हैं, और साहब ये नैन बड़े, जैसे ही नैन 2 से 4 होते हैं ना, बस वही तो खेल है। और इन नैनों को दुनिया से लगाने की बजाय अगर मेरे कन्हैया से लगा लो तो ये नैनों का होना भी सार्थक हो जाता है।